बड़ा खिलाड़ी है ना तू, तो खेल भी बड़ा ही होगा तेरे साथ। कहाँ है तेरा भाई? शुक्र है कि वो यहाँ नहीं है। दिन गिनना शुरू कर दे पांडे। वक्त तुम्हारा खराब आया और दिन हम गिने। दबंग किससे जुड़ी है? दबंग 4 की कहानी। ऐसा कौन सा ऑफिसर है जिससे सब इंस्पायर्ड हो गए? सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दबंग 4 की कहानी के बारे में। दबंग फिल्म के जलवे तो 2010 से ही बॉलीवुड में चल रहे हैं। अब फिल्म ही इतनी फेमस हुई थी तो क्या करें। दबंग से ही सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बता दें कि लोगों ने सोनाक्षी और सलमान की जोड़ी को बहुत पसंद किया। दबंग ने तो आम जनता को पुलिस की दबंगाई बड़े अच्छे से दिखाई थी। और फिर क्या, दबंग के बाद मानो पुलिस वालों पे फिल्में बनने का ट्रेंड ही चालू हो गया, जिसमें हमने देखा दबंग, सिंघम, सूर्यवंशी, सिम्बा जैसी फिल्में। लेकिन क्या आपको पता है कि जहां हम फिल्मों के हीरो को देख के खुश हो रहे हैं, वहीं हमारे देश में कई पुलिस ऑफिसर्स हैं जो ना केवल बहादुर भी हैं बल्कि वक्त आने पर उन्होंने अपने देश के लिए जान भी दी है। और ऐसा ही दबंग ऑफिसर की कहानी हम लाएंगे आपके सामने वीडियो सीरीज के जरिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम बड़े पर्दे के हीरो के साथ साथ हमारे रियल लाइफ के हीरोज के बारे में भी आपको कुछ बता पाए। इस वीडियो के हमारे दबंग ऑफिसर हैं मोहन चंद शर्मा। शर्मा जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1965 में। वो 1989 में दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में शामिल हुए और 19 साल तक अपनी सेवा जारी रखी। वहीं दिल्ली पुलिस यूनिट की एंटी टेररिस्ट स्पेशल सेल का हिस्सा थे। शर्मा 2006 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आतंकवादी अबू हमजा के साथ मुठभेड़ में शामिल थे और फरवरी 2007 में दिल्ली के डीडीयू मार्ग पर एक मुठभेड़ के बाद जैश मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया था। शर्मा ने अपने करियर के दौरान वीरता पुरस्कार सहित कई पुरस्कार और गैलेंट्री अवार्ड भी जीते। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली बस विस्फोटों में शामिल इंडियन मुजाजुद्दीन के आतंकवादियों के साथ बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान घायल होने के बाद शर्मा की मृत्यु 19 दिसंबर 2008 को 42 साल की उम्र में हुई। शर्मा के पेट, जांग और दाहिने हाथ में गोली लगी। वो दिल्ली पुलिस के साथ 2008 में बटाला हाउस मुठभेड़ मामले का हिस्सा थे। उन्होंने इस मामले में एक प्रमुख भूमिका निभाई और इसके बारे में एक फिल्म भी बनाई गई जिसे बटला हाउस कहा जाता है। फिल्म में उनके चरित्र को के कहा गया था और उस किरदार को अभिनेता रवि किशन द्वारा निभाया गया था। हमें मोहन शर्मा पर गर्व है और उनके द्वारा किए गए त्याग पर हम हमेशा याद रखेंगे। अगर आपको ऐसे दबंग पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही दबंग ऑफिसर की वीरता कहानी के साथ।